अभी अखिलेश की पार्टी ज्वाइन करी है। सफल संसद की सड़कों पर मौजूद नौजवानों के हुजूर को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है, क्रांतिकारी इस्तकबाल है। साथियों, आज हम लोग इस हुंकार रैली में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और मौजूदा सरकार को इस बात की चेतावनी देने आए हैं कि सुधर जाइए और जिस तरीके से पिछले साढ़े तीन सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के ऊपर हमले किए हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपने पूरे नौजवानों को, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को एक करने का काम किया है। और साथियों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ, आज हम नौजवान, आज देश का किसान, आज देश की महिलाएं, देश का दलित, देश का पिछड़ा और देश के मुसलमान बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि ये दौर हिंदुस्तान के सामने पहली बार नहीं आया है। ऐसे ही कुछ दौर था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और इस देश के नौजवानों को यह तय करना था कि वो अंग्रेजों की मुखबिरी करेंगे या फिर गोवलकर का साथ देंगे या फिर अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। लेकिन इस देश के नौजवानों ने यह तय किया कि वो गांधी और भगत सिंह का साथ देंगे और इस देश के नौजवानों ने आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। 70 के दशक में जब इमरजेंसी लगी तब फिर से एक बार नौजवानों ने बीड़ा उठाया और पूरे देश में जेपी के नेतृत्व में पूरे देश में नौजवान सड़कों पर आ गए और इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदुस्तान के नौजवानों ने किया। वही नौजवान है जिन्होंने 90 के दशक में मंडल और कमंडल की भी लड़ाई लड़ी थी और अपने हक और हुकूक को हासिल किया था। हम आपको बताना चाहते हैं, आज फिर से एक संकट है, आज फिर से पूरे देश पर संकट छाया हुआ है। दलितों के ऊपर संकट है, मुसलमानों के ऊपर संकट है और सबको घेर कर मारे जाने की कोशिश की जा रही है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने साथी चंद्रशेखर की रिहाई के लिए और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता देना चाहते हैं कि हम नौजवान सहारनपुर की लड़ाई नागपुर में घुस कर लड़ने की तैयार है। उसको हमें बचा
को भी बचाने का काम कर रहा है। तो साथियों, आपसे हम लोग यही कहना चाहते हैं कि साथी चंद्रशेखर की रिहाई के लिए हम अत्यंत सख्ती लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर आए हैं।